वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज बहुत वड्डी गिनती विच सब पंजाब हरियाणा दूर दूर दियां स्टेटां तो निहंग सिंह जथेबंदियां, कार सेवा सारी जथेबंदियां, उदासीन जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां हुम हमा के इत्थे बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते तुसी पहुंचे हो। एक गल मैं तुहानू दस देवां, 7 जनवरी नू जिस दिन मोर्चा लगा है, 3 मीटिंगां वड्डियां पहलां करनाल डाचर सौंकड़े हजूर साहब की पावन नगरी, बाबा नरेंद्र सिंह जी, सत्कारयोग बाबा बलविंदर सिंह जी, उन्हां तो बरसाए हुए बाबा जथेदार गुरमीत सिंह जी, उन्हां वल्लों ये वड्डियां मीटिंगां कीतियां गईयां और सरकार नूं बेनती कीती गई कि साडे सिंह जिहड़ियां सजा पूरियां कर चुके आ उन्हां नूं बरी कर दिओ। जदों कोई सरकार ने गल नहीं सुनी तां फिर 7 जनवरी नूं इस चंडीगढ़ दे विच पक्का मोर्चा, आर पार दा मोर्चा लगा है। श्री गुरु नानक नाम लेवा, जो भी इस देश की विदेश की धरती उत्ते वसदा इस मोर्चे विच अपना वड्डा योगदान पाओ, बुलंद इरादे रखो, यह मोर्चा फतेह होएगा, फतेह होएगा। जद भी देश नूं खून की लोड़ पैगी, हामी हस के भरी पंजाबियां ने, किते रचिया सवंबर जां विद माता लाड़ी मौत भी वरी पंजाबियां ने, चौहां पासियां तो किधरे आई गोली, पहला हिक ते जरी पंजाबियां ने। और दुनिया विच इक धरत पंजाब दी है जिहड़ी मौत दी हिक ते वसदी है, इको मां पंजाबण जो देश बदले जिहड़ी पुत मरवा के हसदी है। ये जिहड़े सूरमे जेलां विच बैठे आ ये उन्हां दी बदौलत अज पंजाब वस रहा साडा, नहीं तो साडियां धीआं भैणां दी इज्जत, साडे जवान बचे पुलिस मुकाबले विच, सरकार चाहुंदी सी पंजाब नूं खत्म कर देना, अज उन्हां सूरमियां दी बदौलत नीं दीआं इट्टां जिहदे उत्ते महल खलोता अज पंजाब दा, ओ सूरमे जिहड़े जेलां विच बैठे आ अज पंजाब उन्हां दे नां ते जिउंदा है, अज गुरुआं दे नां ते जिउंदा है। अज बड़ी वड्डी गिणती विच संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, मौजूदा मुखी हजूर साहब लंगर साहब वाले बाबा बलविंदर सिंह जी और बाबा गुरमीत सिंह हुणा दी अगवाई विच फगवाड़े दी धरती तो बहुत वड्डा काफला अज इस चंडीगढ़ विच बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते इत्थे पहुंचिया है। जिन्ना चिर मोर्चा लगा रहेगा खुले लंगर गुरु दे चलणगे, लंगरां विच तोट नहीं आवेगी। एक गल मैं तुहानू स्पष्ट कर देवां कि जो महापुरखां बाबा नरेंद्र सिंह जी हुणा ने अपनी रसना तो आखी है कि असी निरे लंगर लाउणा नहीं जाणदे, असी एडियां एडियां वड्डियां बिल्डिंगां बनाउणा ही नहीं जाणदे। जरूरी है संगत दे रहण वास्ते बिल्डिंगां, जरूरी है गुरु नानक दा चलाया होया लंगर, पर जदों कोई साडे हक्कां दी आण के बेइंसाफी करेगा उदों मर मिटण वास्ते भी कौम जिहड़ी है वह कार सेवा वालियां दी सब तो अगे होएगी। तो इस करके साध संगत नूं यह बेनती है कि अज पंजाब दा बच्चा बच्चा असी जगा देंगे। तुसी जिन्ने इत्थे आए हो सारे प्रचारक हो, सारयां दा धन्नवाद जी आया, तुसी सारे प्रचारक बन के जाना अज, और देश का वर्ल्ड का कोना कोना असी जगा के रख देंगे कि यह जो तानाशाही सरकारां ने साडे सूरमियां नूं सजा कट्टण तो बाद भी अजे बरी नहीं कर रहे, ये गल्लां बातां नाल बरी नहीं करनगे, ये बुलंद इरादे बना के ये पक्का मोर्चा आर पार दा लगा है। साडा श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर साहिब तो
जिस दिन यह हुक्मनामा संगत विच ऐलान होया सी कि हर गुरु घर विच बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते वड्डे पोस्ट लाए जाण। मेरा जिला सरसा पिंड अमृतसर खुरद विच बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते अकाल तखत दे हुक्म मुताबक यह वड्डे पोस्ट बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते लाए गए सन। पर सजनों याद रखियो, नामधारी संपर्दा बाबा उदय सिंह दे समर्थ प्रेमियां ने यह बंदी सिंघां दी रिहाई दे पोस्ट पाड़ के ला के उन्हां दी बेदबी कीती आ। ओ याद रखण ओ लोक जिहड़े इह सरकार नाल मिले होए ने, ओ चाहुंदे ने कि बंदी सिंह बाहर आ गए ते सानू खतरा है, खतरा ते तुहाडी करतूत दा है तुहानू। तो इस करके सज्जन जनों इह नीह दीआं इट्टां जिहड़ियां अज जेल दे विच बैठियां ने भाई जगतार सिंह जी हवारा साहब और साडे राजोवाणा साहब, वैसे तो असीं बड़ा लम्मा प्रसंग लिख के बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते लगातार कई दिनों तो अपने प्रोग्रामां विच संगतां नूं जगा रहे हां। जाके भाई वेख सजना, अज तेरे देश दे नौजवानां तेरियां धीआं भैणां दी इज्जत जिहड़ी बर्बाद कर रही सी सरकार, अज असीं हा दा नारा मार के उन्हां सूरमियां वास्ते उन्हां नूं रिहा कराउण वास्ते अपने बुलंद इरादे रखीए। मैं कुछ टाइम ज्यादा लै गया, सकत्तर साहब जी का बापू हवारा जी का वो लगातार इन्हां मीटिंगां दे विच उन्हां दे नाल असीं रहे हां, वो बुलंद इरादे दे नाल इस संचालक नूं चला रहे ने। सकत्तर साहब बड़े संचालक ने, बड़े वधिया ढंग तरीके दे नाल सारिआं बुलारिआं नूं, दल्लेवाल साहब मेरे तो पहला कह के गए ने कि सब जथेबंदियां बुलंद इरादे नाल, मैं वेख्या बहुत वड्डा इकट्ठ 13-14 हज़ार की गिनती विच अज दल्लेवाल साहब इत्थे इकट्ठ लैके आए ने। इस तरह ही बाबा नरेंद्र सिंह जी बहुत वड्डे काफले दे नाल अज इस धरती उत्ते पहुंचे ने। सब दा धन्नवाद जी आया। एक गर्जवी आवाज दे नाल इह जकारा छड्डो कि जिहड़ा बड़ैच जेल दे अंदर जिहड़े साडे सूरमे बैठे आ उहनां दे इरादे बुलंद हो जाण ताकि उहनां नूं पता लगे कि मेरे देश का बच्चा बच्चा जाके सानू छड़ाउण वास्ते इत्थे आया है। एक गर्जवी आवाज दे नाल जकारा छड्डो सारे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।